में 75,000 भर्ती में कटाव को लेकर पूरे प्रदेश में जो एक उफाफोह का माहौल उत्पन्न है, उन सारी स्थितियों पे चर्चा और परचर्चा के साथ। साथियों, हम अभी तक मौन धारण किए हुए थे, इसका कतई ये मतलब नहीं था कि हम कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब ये था कि हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है कि हम तभी कुछ बोलते हैं जब कुछ कर चुके होते हैं। आज हम पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। पिछले 36 घंटों से जो हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, जो एक षड्यंत्र के तहत योग्य अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाने का कुचक्र रचा गया है, उस पूरे के पूरे कुचक्र को नष्ट नाबूद करने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, इस दौरान हमने सुप्रीम कोर्ट के हमारे अधिवक्ताओं से लगातार संपर्क किया। सुनो तो, हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट श्रीमान अमित भदौरिया जी के संपर्क में रहकर, उनके मार्गदर्शन में रहकर एक कुशल रणनीति तैयार कर ली मामले है और जिसके भी आप पे वो हम यह कह सकते हैं एक पक्ष का तो कुछ कि जो उत्तीर्णांक का जिसको कटाफ का नाम दिया गया है, एक पत्र या जीओ या लेटर जो भी जारी किया गया है, उसको हम माननीय न्यायालय में रद्दी का टुकड़ा साबित करने का मादा रखते। जब तक हमारी तैयारी नहीं थी तब तक हम मौन थे, आज हमारी तैयारी है, हम आपके बीच। साथियों, हमारी लड़ाई इंसाफ के लिए है, हमारी लड़ाई पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। हम आपको बताते चले, यह परीक्षा तीसरे संशोधन के आधार पे संपन्न कराई गई है और उसी आधार पे पिछली परीक्षा भी संपन्न हुई थी और यह भर्ती 22वें संशोधन को आधार बना के की जा रही है और पिछली भर्ती भी 22वें संशोधन के आधार में की गई थी। साथियों, अगर इन संशोधनों को उठा के देखा जाए तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 25 जुलाई 2017 के आदेश के क्रम में सरकार 1,37,000 पास पदों के सापेक्ष दो भर्तियां कर रही है, जिसका ये सेकंड फेज है, सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में आप हमारे आर्टिकल 14 का हनन और उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात, पूरे भारत के अंदर हम विश्व की तो जानकारी नहीं रखते, लेकिन भारत में आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जिसको कटाफ का नाम दिया जा रहा है, वास्तव में वो कटाफ नहीं है, उत्तीर्णांक है, क्योंकि हमारी मार्कशीट जारी की जाएगी और उसमें एक अंकों का एक प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है, जो 65% और 60% का एक निर्धारित किया गया है, उतना अगर हम नहीं ला पाते हैं तो हमारी उस मार्कशीट के ऊपर फेल लिख दिया जाएगा। कटाफ का मतलब ये होता है कि आप भर्ती में शामिल करिए और यदि हम उतना हमारी मेरिट और सारी चीजें अगर उतना वहां तक नहीं पहुँच पाते हैं तब से बाहर होते, कट ऑफ और उत्तीर्णांक में अंतर होता है, जिसको सरकार कट ऑफ का नाम दे रही है, वास्तव में कट ऑफ तो है ही नहीं, वो उत्तीर्णांक है। और हम आपको अवगत कराते हैं कि आप एक ही जियो के अंदर, एक ही संशोधन और एक ही नियमावली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के एक ही आदेश के क्रम में जो भर्तियां आप करा रहे हैं उसमें अलग अलग कटाफ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पूरे भारत में पहली ऐसी परीक्षा है जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा देने के उपरांत या अवगत कराया गया कि आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत इतना होगा, जो कि घोर अन्याय है, सरासर अन्याय है और धोखाधड़ी है। अभ्यर्थियों के साथ एक साजिश रची गई, उनसे परीक्षा पहले ले ली जाती है और बाद में उनको बताया जाता है, परीक्षा के बाद जब वो मार्कशीट और हमारी सारी कॉपी आप चेक कर लेते हो, हमारी कॉपी आप ले लेते हो, हमें नहीं पता आपने कॉपी चेक कर ली, स्कैन कर ली, नहीं कर ली, और उसके बाद आप बताते हो कि साहब हम आपको इतने नंबर पे उत्तीर्ण करेंगे,
साथ हनन है, 14 के का भी उल्लंघन है, और भी बहुत सी चीजें हैं। कुछ चीजें हैं, मैं स्पष्ट तौर पे आज कह दे रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जिनको हम आपको भी नहीं बता सकते, कुछ चीजें हैं जिनको केवल आपको मतलब होना चाहिए आपके परिणाम से, आपको मतलब होना चाहिए आपके भक्ति से और आपके अपने लाभ से। आपको यह मतलब नहीं होना चाहिए कि हम क्या छुपा रहे हैं और क्या बता रहे हैं, क्योंकि साइलेंट वॉरियर के तरीके से, एक खामोश योद्धा के तरीके से इस लड़ाई में प्रहार करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। साथ ही साथ बता देना चाहते हैं कि संपूर्ण प्रदेश से बहुत सारे जो फोन आ रहे हैं उनके लिए आप हमें काम करने दीजिए, फोन से बात करने का अभी बहुत उचित समय नहीं है। हमने हालांकि सारे कागज जितने भी ऑर्डर थे वो सब कलेक्ट कर लिए हैं, हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है, हम शीघ्र ही न्यायालय में दाखिल भी हो जाएंगे। लेकिन हमें चूंकि यह लड़ाई बहुत ही बड़े स्तर की लड़ाई है और आसान नहीं है, इसलिए हमें यह लड़ाई पहली बार दोहरे स्तर पर भी लड़नी होगी, दूसरे तरीके से भी लड़नी होगी। साथियों, न्यायालय में तो हम लड़ ही रहे हैं, न्यायालय में तो हम लड़ ही लेंगे, न्यायालय से तो हम परिणाम ले ही लेंगे, उसके साथ साथ हमें आपके माध्यम से सड़कों पर भी अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपनी कुवत और अपनी योग्यता से परिचित कराना है, जिससे कि कल को लोग हमें अयोग्य न कह सके। जब बल्कि जो सरकार है वही सरकार, पिछली बार उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे, उन्होंने 40-45 का कटऑफ लगाया था, और इस बार 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपने 60-65 का कटऑफ लगा दिया, इतने योग्य अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ आ गए, ये भी बताना है हमें, जनता को भी बताना है और सरकार को भी बताना है कि हम अभी हमारी भुजाओं में अभी लहू के कतरे बाकी हैं, उसकी भी हम रणनीति बना रहे हैं, शीघ्र ही हम बता देंगे। आप अपने जनपदों में एकत्रित हो जाइए, आप अपने जनपदों में इकट्ठे हो जाइए, संगठित हो जाइए, मीटिंग्स कर लीजिए, हम कल तक आपको अवगत करा देंगे। आप अपना प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में भेज सकते हैं, जिससे कि हम आगे की रूपरेखा उनके माध्यम से और आप सारे जनपदों को प्रतिनिधित्व देते हुए सारे जनपदों को उनका एक सम्मान देते हुए हम इस जंग को आगे बढ़ा सके। साथियों, बहुत सी बातें हैं जो अभी हम नहीं कह रहे हैं, कुछ चीजें हैं, हम कई स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे, हम एक लड़ाई को चार तरफ से लड़ेंगे, न्यायालय में हमारी 4 याचिकाएं जाएंगी इस मामले को लेकर, लेकिन अभी हम उसका खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि यह सही समय नहीं है और यह तरीका नहीं है, हमारी लड़ाई का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं केवल और केवल जीतने के लिए, और केवल और केवल जीतना तभी संभव हो सकता है जब आपकी रणनीति को आपके विरोधी, आपके विपक्षी तक न पता चल पाए, क्योंकि आपके विरोधी आज की तारीख में केवल सरकार ही नहीं, सरकार के अतिरिक्त भी कुछ लोग हैं जो आपके विरोधी हैं, उनको भी हमें संगठित नहीं होने देना है किसी भी हाल में। जो भी स्थितियां होंगी, जो भी परिस्थितियां होंगी, हम उन पर उन परिस्थितियों को आप तक अवश्य सही समय पर और सही माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। हमारा आप सभी से तब तक के लिए अनुरोध है कि आप धैर्य बना के, संयम बना के और सजग प्रहरी के रूप में अपने काम को अंजाम दीजिए, आप संयम के साथ रहिए। हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश के इस केस में उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट एडवोकेट्स जयदीप नारायण माथुर साहब या डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब में से किसी एक चेहरे को भी हम रखने का भरसक प्रयास करेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी, मेरी आज भी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हमारी टीम की भी लगातार बात हुई है सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकीलों से, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी वकील लाने में गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन यह हम तभी करेंगे जब हमारी विधिक टीम हमें ऐसा करने को बोलेगी। हमारे विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट अमित भदौरिया
जैसा आपका जैसा जैसा निर्देश होगा वैसा हर समय और हर वक्त करने को तत्पर रहेंगे। साथियों, आप का जो काम है आपको शीघ्र ही आपके जनपद के जो प्रतिनिधिमंडल आप भेजेंगे उनको बता दिया जाएगा और उसी के अनुरूप हमें आगे बढ़ना है, संगठित होकर काम करना है। लड़ाई बड़ी है, जाहिर सी बात है, प्रयास भी बड़े करने होंगे। और मेरा अपना निजी मानना है कि आधी अधूरी तैयारी आधी अधूरी सफलता भी नहीं दिलाती है। जब तैयारी आप पूरी होगी तो सफलता आपको पूरी मिलेगी। आधी अधूरी तैयारी करने से कोई भी परिणाम कभी नहीं मिलता है, हमारा ऐसा मानना है। और इसीलिए हम केवल और केवल अपनी तैयारी करने में विश्वास रखते हैं। आज हम हमें जो पॉइंट्स मिले हैं, हमारे पास जो एविडेंस है, उनके विभाग से हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि हम पूरी तरह से मजबूत स्थिति में हैं। और तटाप जो इन्होंने बोला है, जो उत्तीर्णान जिसको हम बोल रहे हैं, वह इस भर्ती में नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी और जो स्थितियां बनती रहेंगी हम वो आप तक अवश्य और सही समय तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हम उन अब हमारी टीम के उन जुझारू कमांडोज को धन्यवाद देते हैं, हम इस सर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अभी रात के 2 बजे तक इस पूरे मामले पे मंथन किया। कल से लगातार जो लगे हुए हैं, जो दिल्ली में आडस को खोज रहे हैं, उन सारे लोगों को अब हमारी टीम के उन जुझारू कमांडोज को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आपको जो आश्वस्त करते हैं कि आपके लिए सजग प्रहरी के रूप में हमारी टीम सेना पे बॉर्डर पे खड़ी हो चुकी है। अब आपको निश्चित होके अपने जिले के प्रतिनिधिमंडल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना है। अग्रिम रणनीति के साथ हम शीघ्र ही आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी, जय हिंद।